नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सबका स्वागत है। मन भटकाव का शिकार है और इस भटकाव का सबसे बड़ा एक रिजल्ट डिप्रेशन के तौर पे आ रहा है। विचारों का एक ऐसा सिलसिला जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सिलसिले को, विचारों के सिलसिले को आखिर हम कैसे स्टॉप करें? डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, इस पे बात करने से अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन को हम कैसे रोकें, इस पर काम करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कैसे प्राणायाम के जरिए हम डिप्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणायाम, आप आसन ध्यान अलग है, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ प्राणायाम पे है कि 5 प्राणायाम जो डिप्रेशन के इशू में काफी लाभदायक है। इस प्राणायाम को, 5 प्राणायाम को एक संतुलित वे में ही करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी खास प्राणायाम को ज्यादा तवज्जो देंगे। हम ड्यूरेशन बताते रहेंगे आपको कि क्या करें, कैसे करें, और उसको उसी विधि के साथ उसी परिणाम में, मतलब मात्रा में आपको करने की जरूरत है। क्योंकि शास्त्र कहता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलाप्य, यानी जैसे जैसे हमारी सांस की गति तेज होती है, हमारा मन भी गति तेज हो जाती है। अगर हम सांसों को नियंत्रित करें तो हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा। तो चाहे तनाव हो, डिप्रेशन हो, ये मन का, मन की बीमारी है, मन की समस्या है। तो आज इस वीडियो में इन 5 प्राणायाम को सटीकता से समझेंगे कि कैसे करें और डिप्रेशन को मैनेज करें और धीरे धीरे दूर भगाएं। इस अगले वीडियो में हम आपको डिप्रेशन से रिलेटेड आसन के बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कपालभाति क्रिया करने जा रहे हैं, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। देखेंगे कैसे करेंगे कि आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठे रहेंगे, धीरे धीरे सांस को लेते हुए पेट भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट फोर्सफुली अंदर जाए, सांस फोर्सफुली बाहर जाए। आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट, कंटिन्यू रखना है इन आउट। तो ये प्रक्रिया है जिसमें आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रही है, आप देखते रहें। तो बहुत कई लोग कहते हैं कि सांस को फोर्सफुली बार बार छोड़ते रहना है, छोड़ने पे फोकस हो, नहीं, सिर्फ छोड़ना अगर हो तो वो प्राणायाम नहीं हो सकता है, आपका मन कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो लेना और छोड़ना दोनों देखना है, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है, आप धीरे धीरे चीजों को करते जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। तो ये पूरा धीरे धीरे रिलैक्स। अब सवाल आएगा कि कपालभाति क्रिया कितनी देर करनी है? तो आप कम से कम 3 राउंड इस तरह से कर सकते हैं, हर राउंड में 20 से लेकर के 40 स्ट्रोक तक ही करें। कोई कहता है कि कपालभाति 1 घंटा करना चाहिए, वो गलत है, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए ज़्यादा नहीं करें, एक शोधन प्रक्रिया है, एक निश्चित अंतराल समय पर ही करें। तो 3 बार मिनिमम और हर राउंड में 20 से 40 स्ट्रोक करें, नहीं तो इम्बैलेंस होता है प्राण का, और ज़्यादा स्लो डीप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। देखेंगे दूसरा प्राणायाम है इस हिस्से में जो करने जा रहे हैं, वो भस्त्रिका। भस्त्रिका का वशिष्ठ योग में 2 से 3 प्रकार है। हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उसमें मुट्ठी बंद हो जाएगी, छाती के पास सबकी मुट्ठियां आ जाएंगी, और बाहर की तरफ रखेंगे। दूसरा प्रकार हम बताने जा रहे हैं आपको, अब सांस लेते हुए इनहेल हैंड्स अप, सांस भरेंगे, एक्सहेल सांस छोड़ के नीचे हाथ, इन आउट इन आउट। तो सांस कंटिन्यू रखेंगे इन आउट। तो ये जो लेना और छोड़ना है ये इक्वल हो, कि हम सांस जितना ले रहे हैं उतना ही छोड़ रहे हैं, तो ये चेस्ट ब्रीदिंग है। अभी कपालभाति क्रिया एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी, और ये क्या है, चेस्ट ब्रीदिंग। धीरे धीरे मिला करके करें, इन सब ऊपर हाँ, आउट सो हम, 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 सो
शांति से फिर हाथ नीचे रख देना। कई लोग कहेंगे पत्रिका है बहुत देर तक करते रहे, नहीं, कोई भी फास्ट ब्रीदिंग आप ज्यादा से ज्यादा ना करें, ये सूर्य नाड़ी को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा और इम्बैलेंस हो जाएगा सूर्य और चंद्र के बीच में। जीवन जैसा है वो सूर्य नाड़ी को ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा आपका बढ़ा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा फोकस करें स्लो डीप ब्रीदिंग पे। अब आएंगे तीसरा प्राणायाम में है अनुलोम विलोम, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपोजिट तरीके से सांस को लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, इस चक्कर में क्या होता है दोनों ब्रेन में एक संतुलन आता है, आपका फोकस बहुत ज्यादा आपको रखना पड़ता है नहीं तो गलती हो जाती है और यही चाहिए डिप्रेशन के पेशेंट को। तो देखेंगे आप अपने राइट हैंड में मुद्रा बनाएंगे विष्णु, इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करें अंदर की तरफ और बाकी फिंगर बाहर रहे, थम्स के जरिए राइट थम्स को बंद करें सभी लोग और लेफ्ट हैंड में मुद्रा लेफ्ट ज्ञान मुद्रा बनाए रखें। अब यहां से शुरुआत जो है पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे, इनहेल लेफ्ट सांस लें वन, काउंटिंग धीरे धीरे टू थ्री फोर, अब ये नासिका बंद हो जाएगी, एक्सहेल राइट से छोड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर राइट से लेंगे इनहेल वन, राइट से देखिए ले रहे हैं टू थ्री फोर, होल्ड बंद करेंगे, फिर बायां साइड से आप छोड़ते चले जाएंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाथ नीचे कर देंगे। तो यहां पर हमने सिर्फ एक चक्र चरण आपको दिखाया कि लेफ्ट से लेना है राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है लेफ्ट से छोड़ते रहना है, और लेने की तुलना में छोड़ने की काउंटिंग मैंने ज्यादा रखी है तभी आपको रिलैक्सेशन आएगा। और ख्याल महत्वपूर्ण बात क्या है कि सांस को खींचनी नहीं है, जैसे तो ये जो दम लगा के सांस लेते हैं कहीं इससे हम बेदम नहीं हो जाए, तो इसीलिए धीरे धीरे सांस लेते रहनी है, क्योंकि जितनी अभी श्लोक में मैंने कहा जैसी सांस की रफ्तार होती है वैसा मन की रफ्तार हो जाएगी, अगर आप सांस तेज गति से लेते हैं तो आपका मन तेज गति से भागेगा, तो इसका ख्याल रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि इसमें आपका फोकस सांस के साथ साथ साउंड क्रिएट हो जाता है, और साउंड और सांस अगर मिल जाए तो आप तुरंत मन को कंट्रोल करते हैं। तो डिप्रेशन वाले इस प्राणायाम पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और जब भी मौका मिले गाड़ी में घूम रहे हैं तो भ्रामरी कर लें, देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम को कैसे, कान को बंद करेंगे, यहां पर इंडेक्स अपने कान को कई तरह का बंद करने का प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन आप बस सिंपल कान में आवाज नहीं आए इतना ख्याल रखना है, हाथों को नीचे इस तरह से रखेंगे, स्पाइन सीधी रहे आपकी और स्पाइन लेके एक लाइन पे, कई कई लोग आंख बंद करते हैं उतना नाटक नहीं करना है, फोकस करना है साउंड क्रिएट करने पे, सांस लेंगे धीरे धीरे और सांस छोड़ते हुए ड्रमर साउंड, फिर धीरे धीरे सांस लें और फिर जितना हड़बड़ी इसमें नहीं करनी कि सांस लेने की और फिर सांस छोड़ते हुए भ्रामरी, तो ये क्रम चलता रहता है। तो इस साउंड के साथ क्या होगा, जब जब आप साउंड क्रिएट करते हैं आपका मन मिट जाता है और सिर्फ आपके अंदर एक शांति आती है। तो इस भ्रामरी को अगर आप चाहें पान पीना बंद किए भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हाथ को फिर वापस ले आएंगे पूरे प्रक्रिया करने के बाद और शांति से अपने सांसों के रफ्तार को फील करेंगे। तो ये चौथा भ्रामरी था। पांचवा करने के लिए वशिष्ठ प्राणायाम, धीरे धीरे आप शवासन पोजीशन में लेटेंगे, देखेंगे इधर कि किस तरह से लेटा जा रहा है, अपने दोनों पाँव को खोलें और पाँव को बैठ करके नीचे ले जाएं, इधर साइड से दिखाएंगे तो समझ पाएंगे, दोनों पाँव के बीच में आपका गैप रहना चाहिए, हिप डिस्टेंस, हथेली को आसमान की तरफ करें, आंखें बंद रखें, गर्दन हिलाएंगी और स्पाइन के लाइन में रहेगा। तो ये पोजीशन है जब आप वशिष्ठ प्राणायाम करने जा रहे हैं, ये बहुत इजी है, डिप्रेशन के पेशेंट को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है,
शरीर थका थका रहता है, तो ये आसन आपको, ये प्राणायाम आपको इन तमाम चीजों से दूर करेगा, मन को तुरंत व्यवस्थित करेगा और डायफ्राम का मूवमेंट इम्प्रूव करके आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बढ़ाएगी। तो देखेंगे पहले सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को भरते जाए। देखिए धीरे धीरे मेरा हाथ ऊपर हो रहा है, यानी पेट फूल रहा है गुब्बारे की तरह, और जब सांस छोड़ें धीरे 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 पेट को अंदर की तरफ जाने दें जितना ज़्यादा चला जाए, और फिर इसी रफ्तार से सांस लेते जाएंगे। तो जितना आप सांस लेते जाएं धीरे धीरे उतना अच्छा। ख्याल रहे कि सांस लेने में कोई हड़बड़ी नहीं हो। मैं बार बार कहता हूँ कितना आप स्लो लेंगे उतना आपको बहुत ही शांति आएगी, ऊर्जा आएगी, ऑक्सीजन मिलेगा और मैनेज कर पाएंगे आप अपने तनाव को। और ऐसा नहीं है कि ये पांच प्राणायाम जो हम बताएं सिर्फ डिप्रेशन वाले ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो इस प्राणायाम को कर सकता है। और बाकी प्राणायाम के ही है कि हम कैसे प्राण को बढ़ाएं। तो प्राण को बढ़ाने का सिंपल जरिया यही है कि कैसे धीरे धीरे हम सांस को भरें और धीरे धीरे ही सांस को छोड़ें। सांस छोड़ने में कोई हड़बड़ी नहीं हो। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, और जैसे जैसे ये बातें आपके जीवन में आएंगी आप स्वस्थ होते जाएंगे, आप इन समस्याओं को काबू कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ख्याल रखना है कि हम कैसे धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, और इस प्रक्रिया को अपने आप के साथ जोड़ते चले जाएं। नित्य अभ्यास करें, सुबह शाम, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम है, तो जब भी आप उठें इसको करें। अदरवाइज ऑफिस से आते हैं इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो वशिष्ठ प्राणायाम खासतौर पे काफ़ी ईजी है, और इसके बाद दोनों पैर को आप खोल करके शवासन पोजिशन में चल सकते हैं। अब ये सवाल भी आ सकता है कि पहले आसन की प्राणायाम, तो अच्छा है पहले अगर आप आसन जानते हैं तो आसन कर लें, उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस करके शवासन की तरफ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक सूचना आपके लिए कि जल्द ही यानी करीब 26 अगस्त को हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक ऐसा ही योग शिक्षक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रहे हैं। आप उसके लिए भी संस्था के लोगों से संपर्क करें 6354325086। आज की इस वीडियो के इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।